विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धनबाद में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा धनबाद जो है आज आदिवासी समाज के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से हरे रंगों में भर गया है। और सामने में जो एक सुनो संथाल समाज की तरफ से यह जो शोभा यात्रा निकाली गई है, इसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो नेता हैं वो भी शामिल हैं और समाज से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं वो भी शामिल हैं। सीधे हम जो सामने में जो तमाम नेता उनसे बात करते, भैया बताइए किस तरह का कार्यक्रम आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और क्या मैसेज देना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थोड़ा से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी झारखंड एवं विश्व के आदिवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि विश्व के तमाम आदिवासी एक हों और संगठित हों और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करें और खुलकर लड़ाई लड़ें। लेकिन पूरे विश्व के आदिवासियों को एक करने की बात करें और धनबाद में ही तीन संगठन के द्वारा अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तीन संगठन नहीं, यहाँ तो कई संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आज खुशी का त्यौहार है, इसे लेकर के इसको गुट में ना देखा जाए। हम तो पत्रकार बंधु से कहना चाहेंगे कि इसको गुट में ना कहा जाए, ये खुशी का दिन है। हम तो चाहेंगे कि हर गांव में ये दिवस मनाना चाहिए। आज यहाँ पर हम लोग संगठित होकर के आए हैं, पूरे जिले के लोग हैं। सोनो संथाल समाज का एक बैनर है, हम लोग का पुराना बैनर है, उसके तहत आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग इसी दिन हम लोग आते हैं इस बैनर के तले, इसमें विभिन्न संगठन के लोग भी जुड़े हुए रहते हैं। इस लेकर के इसको गुट माने ना ही देखा जाए और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इतने इतने लोग मना रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र में मना रहे हैं, ये खुशी की बात है। आदिवासी जागृत हो रहे हैं, आदिवासी संगठित हो रहे हैं अपने हक अधिकार को लेकर के। रतिलाल टुडू जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रतिलाल जी बताइए कि आदिवासी समाज आज के समय में एकजुट हो चुका है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आज के समय में द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसी समाज से आती हैं, तो अपने समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या मैसेज देने का काम करेंगे? आज हम यही मैसेज देना चाहेंगे, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको हम त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और पूरे विश्व के लोग इसे एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। और हम यही संदेश देना चाहेंगे आज के दिन में कि हम अपना जल जंगल जमीन को संरक्षित करें और हम अपने बाल बच्चों को हम अच्छा शिक्षा दें, तब हम अपना अधिकार ले पाएंगे। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि आज भी अशिक्षा है और आदिवासियों में आज भी कहा जाता है कि अशिक्षा की वजह से ये अंधविश्वास भी है, तो उसे कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे शिक्षा के माध्यम से? सही बात है, शिक्षा रहेगा तो निश्चित है हम अपना अधिकार ले पाएंगे। और शिक्षा के अभाव में लोग आज भी जो अंधविश्वास के रूप में जो बात मान रहे हैं वो शिक्षा का अभाव है, और तभी हम अपना अधिकार जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा हम मेरे बल बच्चे जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है हम अपना अधिकार हम ले पाएंगे। लक्ष्मी मुर्मू जी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। लक्ष्मी जी, आदिवासी महिलाएं आज के समय में कितनी सशक्त हो गई हैं? आज हम महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, चाहे वो समूह के रूप में घर घर में जाके लोगों को संगठित करने का काम करती हैं, चाहे जेएसएलपी द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं जो अभी करोड़ों का लोगों को लोन के माध्यम से महिलाओं को समाज से निकलकर हर क्षेत्र में बढ़ा रही हैं। आज महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, आज हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति क्षेत्र में बोलिए, चाहे पायलट के क्षेत्र में बोलिए, शिक्षित क्षेत्र में बोलिए, आज ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं, चाहे वो पायलट के रूप में बोलिए, चाहे ट्रेन चलाने के रूप में बोलिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आज सशक्त रूप से आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और मजबूती के साथ हमारे हेमंत जी जो है महिलाओं को आगे लाने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं को वो धरातल में ला रहे हैं और एक जिला परिषद होने के नाते मैं सारी सरकारी योजनाओं को जन जन तक, घर घर तक उसका लाभ देने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आज भी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होते हैं और उनके साथ कई तरह के ऐसे जो कुकृत्य हैं वो भी देखने को मिल रहा है, सरकार भी आपकी है, ऐसे में इस पर कब तक रोक लग पाएगी? देखिए, यहाँ पे जो आदिवासी चाहे गैर आदिवासी जो द्रोणाचार्य होते हैं, जो समाज जो मैंने लोगों के ऊपर अपना जो असुर जो होते हैं ना, उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, वो कोई भी जात के हो सकते हैं और कोई भी महिलाएं हो सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर घटनाएं में हमारी महिलाएं, हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, पूरे गांव में जो है आग लगा दी गई। इसका हम लोग पूरे आदिवासी समाज उसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में अगर इस तरह का प्रयास दोबारा किया गया तो आदिवासी उसका जवाब मुंह तोड़ देगी, अब कागज कलम में नहीं सीधे सिंदरा करने का काम करेगी। बिल्कुल, तो मैसेज साफ है कि अगर आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ
जो अत्याचार हो रहे हैं उसे अगर जल्द नहीं रोका गया, और साथ ही जो आज की जो एकजुटता है उसे भी आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज के तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो आज अपना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और धनबाद कोयलांचल की अगर बात करें तो अलग अलग समूहों में आदिवासी नेताओं का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं मनभावन तो है ही, साथ ही आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज देने का भी काम जरूर करेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।